वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी की दर 5.7 पर आ गई, जबकि पिछले साल की आखिरी तिमाही में यह दर 6.1 थी। फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी डेटा हैज टुडे बीन रिलीज्ड एंड सर्टेनली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट इट्स कम डाउन to 5.7%। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ ने 2017-18 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 5.7% बताई है। यह आंकड़ा 2016-17 की पहली तिमाही से 2.2% कम है। पिछले साल पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.9% थी। जनवरी से मार्च 2017 तिमाही में नोटबंदी के कारण भारत की जीडीपी पहले ही गिरकर 6.1% हो गई थी और अब ये 0.4% और गिरकर 5.7% हो गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि नोटबंदी का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, पर इसके विपरीत परिस्थिति और बिगड़ गई। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जारी होने के बाद नोटबंदी को लेकर जहां सरकार पहले ही आलोचनाओं के दौर से गुजर रही थी, जीडीपी का 5.7% हो जाना, जो कि पिछले 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है, सवालातों का सिलसिला सरकार पर और बढ़ा रहा है। उधर चीन 6.9% की दर रखने में कामयाब रहा है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।